नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद अब बिहार को नया कृषि मंत्री मिल गया है। बता दें कि आरजेडी कोटे से पर्यटन मंत्री जो थे कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्री बनाया गया है और पर्यटन विभाग का जो अतिरिक्त प्रभार है वो तेजस्वी यादव के पास चला गया है। तो अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास एक और मंत्रालय का प्रभार रहेगा, लेकिन कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्री बनाया गया है। बता दें कि कल ही सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा तेजस्वी यादव को सौंपा था और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा मंजूर करके राज्यपाल को भी भेज दिया है। लेकिन बड़ी खबर है, सुधाकर सिंह के जगह पर अब कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत होंगे। इससे पहले वो पर्यटन विभाग के मंत्री थे, लेकिन अब पर्यटन विभाग तेजस्वी यादव के पास चला गया है, जैसे उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। तो महागठबंधन में इस वक्त जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुशील मोदी हो या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, सभी ने कहा है कि अभी ये दूसरा विकेट गिरा है। इस टीम में और भी खलबली आने वाले वक्त में होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा हुआ उन पर पहले से ही आरोप लग रहा था। आरोप लगने के बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन चंद दिनों के बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब सुधाकर सिंह पर भी दबाव था इस्तीफा देने का, उन्होंने अपना इस्तीफा तेजस्वी यादव को सौंपा भी। लेकिन बीजेपी पहले से उन पर आरोप लगा रही थी। करोड़ों रुपये गबन का मामला था, वो जमानत पे थे। 60 लाख रुपया वो जमानत के तौर पर कोर्ट में भरा था, तब जाकर के उनको जमानत मिली थी और अभी वो बेल पर चल रहे हैं। तो सुधाकर सिंह पर पहले से ही बीजेपी आरोप लगा रही थी, लेकिन अब अपने ही अंदर खानों अनबन के बीच जो है सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया कल ही, और नया कृषि मंत्री भी बना दिया गया है। कुमार सर्वजीत जो बोधगया से चुन करके आए थे, आरजेडी के कोटे से हैं, और उनको कृषि मंत्री बनाया गया है और पर्यटन विभाग का जो प्रभार है वो तेजस्वी यादव के पास चला गया है। तो बड़ी खबर है, और महागठबंधन में इस वक्त जो है हलचल सी मची हुई है। लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव के तरफ से ये आदेश भी जारी किया गया था कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या सांसद या कार्यकर्ता गठबंधन के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा और टिप्पणी करने से बचेगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है कि जो गठबंधन से रिलेटेड जो बातें हैं वो सिर्फ तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, कोई भी कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जब सुधाकर सिंह का बयान आया था चोरों का सरदार वाला, उससे सरकार की काफ़ी फजीहत हुई थी। इससे नीतीश कुमार जो है काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन अब सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और नया जो कृषि मंत्री है वो कुमार सर्वजीत को बनाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।